स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने न्यूरुलेशन का प्रोसेस जो है, न्यूरुलेशन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, न्यूरुलेशन हमने कहा था कि तीन जर्म लेयर डिटरमाइन हो रहे या आगे जो भी प्रोसेस चल रही वो हमने पूरा लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन तक हमने कैसे पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे ये जो है न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब के अंदर की साइड पे सपोज इस न्यूरल ट्यूब और इस न्यूरल ट्यूब के अंदर की साइड पे देयर इज अ स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट। न्यूरल सेल की जो भी इनर साइड रहती है उस इनर साइड पे ये जो होते हैं यहाँ पे देयर आर डिफरेंट स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स आर कॉल्ड एज एपेंडाइमल सेल। सो ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं दैट एपेंडाइमल सेल आर कॉल्ड एज अ न्यूरल स्टेम सेल्स। ठीक है, सो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो भी न्यूरल ट्यूब होती है उसके अंदर की साइड पे होते हैं। अब यहां पे कुछ अगर हम बात करें, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए एट द एंटीरियर साइड एंड देयर इज अ डिफेक्ट कॉल्ड एज अ एनिसोफैली। न्यूरल ट्यूब नॉट क्लोज properly at anterior region पे जो भी न्यूरल ट्यूब है वो properly क्लोज ना हो जाए। अगर यही posterior region पे न्यूरल ट्यूब properly क्लोज ना हो जाए which is responsible for some developmental defect and that developmental defect is called as a spina bifida. So, ये कहां पे हो रहा है, ये पोस्टीरियर रीजन पे जो भी न्यूरल ट्यूब है वो न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई एंड विच लीड्स टू द पर्टिकुलर डेवलपमेंटल डिफेक्ट। ये दोनों भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट, कौन से यहां पे अगर बात करें एनिसोफैली के बारे में ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। अगर बात करें स्पाइना बाइफिडा की, स्पाइना बाइफिडा हम ऐसा भी कह सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। तो ये जो स्पाइना बाइफिडा है इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से देयर इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट एंड दैट डेवलपमेंटल डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्पाइना बाइफिडा। और ये स्पाइना बाइफिडा कहां पे हो रहा है, पोस्टीरियर रीजन में। पोस्टीरियर रीजन में अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ रही। और एंटीरियर रीजन में अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए तो ये डिफेक्ट आ रहा है। अब यहां पे ये जो एपेंडाइमल सेल्स जो है दैट एपेंडाइमल सेल्स there are expression of certain genes. So ependymal cells के अंदर there are expression of certain genes. यहां पे ependymal cells जो होते हैं, जो neural stem cells हम बात करें वहां पे कुछ genes का expression होता है। और यहां पे pre-neural genes जो होते हैं
उसका एक्सप्रेशन होता है. सो देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ प्री न्यूरल जीन्स दैट इज स्क्यूड एंड एक्यूट. देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ प्री न्यूरल जीन दैट प्री न्यूरल जीन्स दैट स्क्यूड एंड एक्यूट. ये जो दोनों जीन्स है यहां पे एक्सप्रेस होते हैं. सो ये क्या करते हैं स्क्यूट एक्यूट दैट डिटरमाइन स्टेम सेल्स एक्ट एज अ न्यूरोब्लास्ट. स्क्यूट एक्यूट जो है दैट डिटरमाइन स्टेम सेल्स एक्ट एज अ न्यूरोब्लास्ट. ये स्टेम सेल्स को डिटरमाइन करते हैं टू एक्ट एज अ न्यूरोब्लास्ट. कैसे एक्ट करने का? एज अ न्यूरोब्लास्ट एक्ट करने का. ये जो न्यूरोब्लास्ट है यहां पे दो टाइप के और सेल्स होते हैं. एक तो न्यूरॉन्स यहां पे प्रेजेंट रहते हैं और दूसरा जो है देयर आर एसोसिएटेड सेल्स एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एज अ ग्लियल सेल्स. अगर हम बात करें मतलब न्यूरोब्लास्ट जो है that neuroblast have two alternate fate. So neuroblast it has two alternate fate. इसके दो alternate fate होते हैं. एक तो ये convert, it could convert into neurons and it could convert into glial cells. Neurons के amount जो है वो 10 raised to 11 रहती है और इसके amount कितनी होती है 10 raised to 12 होती है. ग्लायल सेल्स जो होते हैं वो 10 गुना यहाँ पे ज्यादा होते हैं. ठीक है, आप इतना नो डाउट कर लो यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर बात करें सिंपली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं न्यूरॉन का. ठीक है, यहां पे ये डेंड्राइट्स होते हैं. देन ये सेल बॉडी होती है, सोमा कहते हैं इसे, जिसके अंदर ये जो होता है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन ये जो रीजन होता है ये एक्सॉन होता है. ठीक है, और आगे का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनस. यहां से नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन आते हैं और इधर आगे चले जाते हैं. ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का. और इसके ऊपर यहां पे कुछ माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट की कवरिंग होती है. तो माइलिन शीट की अगर कोटिंग होती है तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की रेट जो होती है इंक्रीज होती है. सो देयर इज अ मोर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन रेट जो होता है यहां पे ज्यादा होता है. देयर इज अ मोर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन रेट. मतलब जो भी माइलिन शीट होती है उस माइलिन शीट का काम क्या होता है इज टू इंसुलेट. इंसुलेशन का काम होता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की रेट जो होती है वो रेट बढ़ाने का काम होता है. ठीक है, तो यहां पे दो सेल्स होते हैं. मतलब माइलिन शीट कौन बना रहा है? तो ये ग्लायल सेल्स जो होता है दैट फॉर्म माइलिन शीट. यहां पे ये माइलिन शीट बनाने का काम कर रहा है. और अगर वहां पे माइलिन शीट की अमाउंट होती है सो देयर इज अ मोर रेट ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन. ठीक है,
तो यहाँ पे न्यूरॉन और उसके ऊपर कोटिंग है, तो यहाँ पे जो जीन्स होते न्यूरल ट्यूब में, स्टेम सेल्स होते एपिडर्मल सेल्स, यहाँ पे कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ सम प्री न्यूरल जीन्स दैट इज क्यूट एकेट एंड देन इट कैन डिटरमाइन इन टू द न्यूरोब्लास्ट, और जो भी न्यूरोब्लास्ट है दैट न्यूरोब्लास्ट हैज टू अल्टरनेट फिट, यहाँ पे एक न्यूरॉन्स होता है और दूसरा ग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इतना नो डाउट कर लो, आगे बात करते हैं। सो नाउ इफ हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में, अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है सो 10 टाइम्स मोर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन रेट, सो इफ माइलिनेटेड न्यूरॉन देयर इज 10 टाइम्स मोर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है यहां पे सो देयर इज अ 10 टाइम मोर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, हम ये बात कर रहे कि माइलिनेटेड है तो ज्यादा होगा, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन किसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो दैट नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन, एक तो माइलिनेटेड रहेगा तो इसका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट रहेगा, इसका डायमीटर ज्यादा रहेगा तो भी इसका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा, और उसके साथ साथ अगर लेंथ ऑफ न्यूरॉन कम रहेगी तो इसका नर इंपल्स ट्रांसमिशन कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा। सो रेट ऑफ नर इंपल्स ट्रांसमिशन इज डिपेंड ऑन इफ द न्यूरॉन इज माइलिनेटेड देन देयर इज अ फास्ट नर इंपल्स ट्रांसमिशन, इफ डायमीटर हाई देन अगेन देयर इज अ मोर नर इंपल्स ट्रांसमिशन, और न्यूरॉन की लेंथ अगर कम है तो भी इसका नर इंपल्स ट्रांसमिशन का रेट कैसा रहेगा, तो फास्ट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी सेल्स होते हैं दैट सेल्स कैन फॉर्म अ माइलिन शीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट फॉर्म करे उसको हम कहेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, द सेल्स विच कैन फॉर्म माइलिन शीट एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम That is called as a oligodendrocytes. और जो cells peripheral nervous system में myelin sheet का formation कर रहे हैं, that cells are called as a Schwann cell. उस cells को हम क्या कहेंगे? Schwann cell कहेंगे. ठीक है? The cells which form myelin sheet at central nervous system, that is called as ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, और एंड विच कॉल्ड विच फॉर्म अ माइलिन शीट एट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ शॉन सेल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करे उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स कहेंगे, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करे उसे हम क्या करें? श्वान सेल करें। सो अब हम बात करते हैं कुछ ग्लायल सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत। ग्लायल सेल्स जो होते हम तो पहले बात की कि दे आर फॉर्मिंग अ माइलिन शीट, बट ग्लायल सेल्स दे आर आल्सो हैविंग सम अदर रोल। ग्लायल सेल्स दे आल्सो हैव फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। जो भी ग्लायल सेल्स होते हैं ग्लायल सेल्स दे आल्सो हैव फैगोसाइटोटिक
एक्टिविटी। तो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी ग्लाइल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो भी माइक्रो ग्लाइल सेल्स रहते हैं कहां पे, ब्रेन के अंदर, विच हैज दी फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। कुछ ग्लाइल सेल्स जो होते हैं विच प्ले रोल इन द फ्लूइड सिक्रेशंस, सम ग्लाइल सेल्स प्ले रोल इन फ्लूइड सिक्रेशन। कुछ ग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो फ्लूइड सिक्रेशन के अंदर उनका रोल परफॉर्म करे। कुछ ग्लाइल सेल्स जो होते हैं दे आर एक्ट लाइक एस्ट्रोसाइट्स, सो दे आर एस्ट्रोसाइट्स। कुछ ग्लाइल सेल्स क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स का रोल जो है वो परफॉर्म करे। मतलब यहां पे दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, मतलब ब्लड की जो भी कंपोनेंट है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती। सो विच प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट जो है दे आर एक्टिंग लाइक अ ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब जो भी यहां पे ब्लड के कंपोनेंट है वो ब्लड के कंपोनेंट ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये क्या कौन तौर पे कर रहे, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, सो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से सेल्स न्यूरॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे और कौन से सेल्स ग्लाइल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, हाउ दिस डिसीजन आकर सेल्स विच कन्वर्ट इनटू न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरोब्लास्ट से बन रहे। न्यूरोब्लास्ट के दो अल्टरनेटिव फैक्ट है, उसमें से एक तो न्यूरॉन है और दूसरा ग्लाइल सेल्स है। सो हाउ इट विल डिसाइड, यहां पे ये कोई सेल्स है ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे ये कोई सेल्स है ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइल सेल्स का नंबर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, देयर इज अ मोर नंबर ऑफ ग्लाइल सेल्स। जो भी ग्लाइल सेल्स होते हैं ग्लाइल सेल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर बहुत कम सेल्स कन्वर्ट हो रहे। सो यहां पे देयर इज अ फिनोमिनन जो कि हमने जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट न्यूरोब्लास्ट इनटू द न्यूरॉन्स और ग्लाइल सेल्स, दैट इज कॉल्ड द लैटरल इनहिबिशन। देयर इज अ फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ लैटरल इनहिबिशन। सो लैटरल इनहिबिशन में द रोल ऑफ सिग्नलिंग इज प्लेड बाय डेल्टा लिगैंड। सो यहां पे द रोल ऑफ सिग्नलिंग इज प्लेड बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रोल प्ले कर रहे हैं यहां पे डेल्टा लिगैंड।
and there is a receptor, that receptor is called as a notch receptor. तो कौन सा सेल न्यूरॉन में कन्वर्ट होगा, कौन सा सेल ग्लायल सेल्स में कन्वर्ट होगा, विच इज डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द सिग्नल एंड दैट इज द देर इज अ लिगेंड, दैट लिगेंड इज कॉल्ड एज डेल्टा लिगेंड, देर इज अ रिसेप्टर एंड दैट रिसेप्टर इज रेफर्ड टू एज नॉच रिसेप्टर. सो इनिशियली क्या होता है, देर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द डेल्टा लिगेंड एंड नॉच रिसेप्टर इनटू द बोथ सेल्स. पहले क्या हो रहा है, सब कुछ दोनों के ऊपर भी क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है. इनिशियली देर इज एक्सप्रेशन ऑफ ये सपोज डेल्टा लिगेंड है और ये सपोज नॉच रिसेप्टर है. इनिशियली क्या हो रहा है यहां पे, देर इज एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डेल्टा लिगेंड एंड नॉच रिसेप्टर. ठीक है, मतलब पहले दोनों भी होता है पर बाद में क्या हो रहा है, अचानक से एक इसके ऊपर ज्यादा डेल्टा लिगेंड आ रहे, एक दूसरे से इसके ऊपर ज्यादा डेल्टा लिगेंड आ गए और दूसरे के ऊपर जो है नॉच रिसेप्टर ज्यादा हो गए, और जिसके ऊपर डेल्टा रिसेप्टर ज्यादा आ गए ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पे ये ग्लायल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो डेल्टा लिगेंड जिसके अंदर ज्यादा हो गए वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूरॉन में ज्यादा हो रहा है, न्यूरॉन में सॉरी कन्वर्ट हो रहा है, और नॉच रिसेप्टर जो है जिसके ऊपर ज्यादा हुए वो ग्लायल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. मतलब हम ऐसी बात करेंगे कि यहां पे ये ग्लायल सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लायल सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लायल सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लायल सेल में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब इनिशियली जो है, इनिशियली देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा लिगेंड एज वेल एज अ नॉच रिसेप्टर इन ऑल द सेल्स, दोनों भी सेल्स, सपोज ये दोनों सेल्स है, इन दोनों सेल्स के बारे में चल रहा है. तो इनिशियली जो है डेल्टा लिगेंड और नॉच रिसेप्टर दोनों के ऊपर भी एक्सप्रेस हो रहे, पर रैंडमली क्या होता है, रैंडमली देयर इज अ मोर एक्सप्रेशन ऑफ नॉच रिसेप्टर इन द वन ऑफ द सेल्स. रैंडम होता है इसका, ये कोई डिसीजन मतलब ऐसा कोई दूसरा कोई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं. सो देर इज अ रैंडमली देर इज अ मोर एक्सप्रेशन ऑफ नॉच रिसेप्टर, और जिसके ऊपर नॉच रिसेप्टर ज्यादा एक्सप्रेस है, और दूसरा जो है जिसके ऊपर फिर डेल्टा लिगेंड जो है ज्यादा एक्सप्रेस होते, और वो सेल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूरोन में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी के सभी सेल्स किस में कन्वर्ट हो रहे, तो ग्लायल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे. ठीक है, तो ऐसा इसका डिटर्मिनेशन होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लैटरल इनहिबिशन. लैटरल इनहिबिशन के बारे में हमने पहले भी बात की. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हम देयर इज अ लेंस फॉर्मेशन, आई फॉर्मेशन इन एम्फीबियन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.